हेलो दोस्तों, आज हम एक्सेल में सीखेंगे ऑटो लिस्ट का उपयोग कैसे किया जाते हैं। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, एक्सेल में ऑटो लिस्ट और कस्टम लिस्ट बड़े काम के ऑप्शन हैं। यदि किसी लिस्ट का प्रयोग आप बार बार करते हैं तो आप उसको उससे टाइप करने की जरूरत नहीं है, बस अपनी कस्टम लिस्ट तैयार कीजिए और कितनी भी बार उसे प्रयोग कीजिए। इसी प्रकार ऑटो लिस्ट भी होती है। यहाँ बस एक्सेल को ये बताना होता है कि आप किस पैटर्न के लिए लिस्ट बनाना चाहते हैं, ठीक है, और इस पैटर्न की लिस्ट बना सकते हैं और लिस्ट एक्सेल में उसे तैयार कर देते हैं। जैसे नंबर, तारीख, साल हो, टाइम हो, कुछ भी हो, जैसे नाम हो, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं और अपना समय बचा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे हुआ। देखिए, जैसे मैंने यहाँ राम, श्याम, प्रमोद, राधा ले रखा है। मैं जस्ट राइट के नीचे यहाँ क्लिक करूंगा और अपने कीबोर्ड से ऑल्ट एंड डाउन एरो प्रेस करूंगा। ये देखिए, अब उसके बाद हम यहाँ से जो भी नाम लेना चाहते हैं, यहाँ राम है तो राम लीजिए, क्लिक कर दिए, फिर नीचे आया, फिर ऑल्ट डाउन एरो, अब यहाँ जो भी सेलेक्ट करनी है, शाम चाहिए तो हमें शाम मिले बिना कहीं क्लिक किए। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगे, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों।